मथुरा ब्रह्म भारती पत्रिका एवं सर्वोदी ब्राह्मण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज बांटा गया कचा राशन। ब्रह्म भारती पत्रिका एवं सर्वोदी ब्राह्मण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विकास बाजार स्थित पत्रिका कार्यालय पर मंदिर सेवाएं तो एवं विप्र महिलाओं को कचा राशन, जिसमें 10 किलो आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, चीनी, चाय पत्ती, सैनिटाइजर, मास्क, हाथ के दस्ताने आदि 18 लोगों को वितरण किए गए। आज से यह कार्यक्रम केवल मंदिर सेवायतों के लिए ही रखा गया है। यह कार्यक्रम रविवार से प्रारंभ होकर आज चौथे दिन विकास बाजार में वितरण किया गया, जो रविवार तक जारी रहेगा। सेवायत विप्र महिला लोगों को यह सामान वितरण किया गया है। इस अवसर पर युवा अध्यक्ष पंकज शर्मा, ब्रह्मा भारती पत्रिका के व्यवस्थापक श्री राजेंद्र दत्त आचार्य, संस्थान सचिव पंडित नारायण प्रसाद शर्मा एवं संस्थान के अध्यक्ष पंडित सोहनलाल शर्मा, एडवोकेट जगदीश चंद्र मिश्रा, महेंद्र दत्ताचार्य, अनिकेत, कृष्णा, वैभव आदि उपस्थित रहे। पत्रिका की तरफ से और सर्वोदय ब्राह्मण महासभा की तरफ से आज जो है गरीब आदमियों को जो है खाद्यान्न वितरण, आटा, दाल, सैनिटाइजर, चावल, माउस इत्यादि का 18 आदमियों को वितरित किया गया, समझे ना। और सबकी शुभकामना की गई, सभी आदमी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, वो किसी को कोई बात की कमी नहीं रहे और हमारा देश जो है आगे इसी तरह फलता फूलता बढ़ता रहे, सब में अपनी विजय प्राप्त करता है। बोलो भगवान की जय। संस्थान की ओर से 8 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण गरीब असहाय लोगों के आगे जो है भुखमरी की समस्या पैदा हो गई, उसी के चलते संस्थान की ओर से आज चौथे दिन राशन वितरित किया गया, जिसमें 18 लोगों को इनको जो है दाल, चावल, आटा, तेल, ये सभी सामग्री उनको मुहैया कराई गई। सैनिटाइजर मास्क लगातार वितरित किए जा रहे हैं और इसी तरह से ये 8 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। ब्रज की सार्वधायिक लोकप्रिय पत्रिका ब्रह्म भारती और सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के तत्वाधान में आज हमारे द्वारा 18 लोगों को खाद्य सामग्री वितरण की गई है, जिसमें हमने चाय, चीनी, आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले इत्यादि वितरित किए हैं और हमारे द्वारा मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण किया गए हैं। हमारे यहाँ कल भी सामग्री लक्ष्मी नगर जरम लिंक रोड पर वितरण की गई थी और आगे भी कई दिन ये कार्यक्रम चलेगा। जय प्रभु।